एयरक्राफ्ट, तो उसको कौन देता है? नॉर्मल पुश, नॉर्मल पुश ऑफ द एयर, राइट? तो दैट प्रोवाइड्स नॉर्मल पुश ऑफ द एयर, दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मैं रब करता हूं पहले इसको, यस. अब इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इन हाइड्रोजन एटम, तो उसको कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, तो उसको कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स प्रोवाइड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अब रोटेटिंग व्हील, ये फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील जानते हैं क्या होता है? फ्लाई व्हील वो व्हील होता है जिसका सारे का सारा मास उसके रिम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो. इसको मैं फ्लाई व्हील शेप देने की कोशिश करता हूं. ये फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील वो व्हील जिसका सारे का सारा मास उसके रिम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो. फनी बात बताएं, एक बार मैंने पूछा व्हाट इज फ्लाई व्हील, एक लिख दिया फ्लाई व्हील इज दैट व्हील विच कैन फ्लाई, तो नंबर फ्लाई कर गए. अरे फ्लाई व्हील इज दैट व्हील हुज ऑल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स रिम. तो जो इसका फ्लाई व्हील का जो होता है मतलब इफेक्टिव जो फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर एक्ट करती रहती हैं टू मेक द व्हील टुगेदर. मींस इफेक्टिव फोर्सेस जो है वो कौन सी होती है? कोहेसिव फोर्स. एक फोर्स इधर को लग गई फिर इधर को लग गई, इसके ऊपर एक कोहेसिव फोर्स इकट्ठी हो जाती है फ्लाई व्हील के ऊपर, कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर लगती है. तो स्टूडेंट ये एक मैंने पार्ट आपको समझाया. मैं एडिशनल लेक्चर ऑन सेंट्रिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल दे रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसको हम पार्ट वन कह देते हैं, फिर एक पार्ट टू करेंगे, ठीक है? लेट इट बी पार्ट वन, ठीक है? फिर हम पार्ट टू करेंगे, राइट? लेट इट बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. To use the Vipin Sharma Physics channel, the best way is to go the playlist and follow ascending order of video lectures. And you can, if you like, you can tell others also. Bye. Thank you. God bless you.